हेलो दोस्तों, वेलकम टू पायोज एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कंट्रोलर डेटा शीट इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स। देखो, पिछले वीडियो में हमने कंट्रोलर साइजिंग कैसे करना है वो डिस्कस किया। कंट्रोलर साइजिंग करने के बाद आपका नेक्स्ट डिलीवरेबल रहता है डेटा शीट। आप कंट्रोलर साइजिंग जो भी की है उसके हिसाब से कंट्रोलर की डेटा शीट भरते हो, वो डेटा शीट प्रोक्योरमेंट वालों के पास चला जाता है। उसके बाद प्रोक्योरमेंट वाले उसका पीओ निकालते हैं और वेंडर को वो डेटा शीट दे देते हैं, और उस डेटा शीट के हिसाब से वेंडर आपको कंट्रोल वॉल सप्लाई करता है। मान लो आपके डेटा शीट में कुछ गलती हो गई, तो आपका जो भी प्रोक्योर होके कंट्रोल वॉल आया है वो भी गलत आएगा। इसलिए कंट्रोल वॉल की डेटा शीट या किसी भी इक्विपमेंट की डेटा शीट भरना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है और एक इंपॉर्टेंट डिलीवरेबल है प्रोसेस इंजीनियर का। तो चलो हम इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पायोज, लर्न द स्मार्टर वे। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कंट्रोलर के डेटा शीट में इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। देखो, कंट्रोलर की डेटा शीट अगर आप देखते हो तो सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा है फ्लो यूनिट्स कौन कौन से हैं। अगर लिक्विड है तो उसका फ्लो रेट हम मीटर क्यूब पर आवर में मेंशन करेंगे। गैस है तो उसका फ्लो रेट स्टैंडर्ड मीटर क्यूब पर आवर में मेंशन करेंगे। टेम्परेचर है तो डिग्री सेल्सियस में मेंशन करेंगे, और प्रेशर है तो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर गेज में मेंशन करेंगे। ओके, उसके बाद जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में क्या क्या है? टैग नंबर, लाइन नंबर, लाइन साइज एंड शेड्यूल, सर्विस क्वांटिटी, मतलब ये सब आपके कंट्रोल वॉल क्या है और कंट्रोल वॉल आपको कितनी क्वांटिटी में चाहिए वो यहाँ पे क्लियर होगा। मतलब कंट्रोल वॉल का टैग नंबर जो भी आपको पीएनआईडी से मिलेगा, लाइन नंबर पीएनआईडी से मिलेगा, लाइन साइज एंड शेड्यूल आपको लाइन नंबर में ही मेंशन किया हुआ रहता है, नहीं तो आप पाइपिंग स्पेसिफिकेशंस में जाके भी फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद कंट्रोल वॉल की सर्विस कौन सी है और कितने क्वांटिटी में कंट्रोल वॉल चाहिए। उसके बाद दूसरा कैटेगरी है बॉडी। जो भी आपका कंट्रोल वॉल है उसके बॉडी के स्पेसिफिकेशंस आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। टाइप ऑफ बॉडी, मतलब कौन से टाइप का वॉल है, ग्लोब वॉल है, बटरफ्लाई वॉल है, बॉल वॉल है। उसके बाद बॉडी साइज और पोर्ट साइज। देखो, बॉडी साइज तो आप बता सकते हो लेकिन पोर्ट साइज आपको पता नहीं चलेगा, वो आपको वेंडर बताएगा, इसलिए हमने यहाँ पे वेंडर टू फील लिखा है। ओके, उसके बाद गाइडिंग क्या है, नंबर ऑफ पोर्ट्स क्या है, एंड कनेक्शन कैसा है। एंड कनेक्शन देखो यहाँ पे मेंशन किया है हाफ इंच एनसी 300 क्लास और रेज्ड पेस। जो भी आपको कंट्रोल वॉल के स्पेसिफिकेशन है वो आपको आपके प्रोसेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से भरने हैं। ओके, उसके बाद बॉडी का एमओसी कौन सा रहेगा, बोनेट का एमओसी कौन सा रहेगा, पैकिंग मटेरियल क्या रहेगा, डिजाइन टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहेगा। उसके बाद लुब्रिकेटर क्या है, ट्रिम फॉर्म क्या है, मतलब आपको इक्वल परसेंट चाहिए, क्विक ओपनिंग चाहिए। उसके बाद ट्रिम का मटेरियल कौन सा है, उसके बाद जो भी वेटेड पार्ट है उसका एमओसी कौन सा रहना चाहिए, उसके बाद कंट्रोल वॉल का शट ऑफ क्लास कौन सा होना चाहिए, मैक्सिमम अलाउएबल साउंड लेवल क्या होना चाहिए। उसके बाद जो भी बॉडी है उसका मैक और मॉडल नंबर क्या है ये आपको वेंडर बताएगा। उसके बाद थर्ड कैटेगरी है एक्चुएटर। एक्चुएटर का टाइप कौन सा रहेगा, उसके बाद वॉल कौन से पोजीशन पे क्लोज होगा, कौन से पोजीशन पे ओपन होगा। उसके बाद फेल्यूर कंडीशन क्या रहेगी, मतलब एयर टू ओपन, एयर टू क्लोज, फेल टू ओपन, फेल टू क्लोज। उसके बाद जो भी हैंडव्हील है उसका लोकेशन कौन सा रहेगा। उसके बाद एक्चुएटर का मेक क्या है, मॉडल नंबर क्या है। उसके बाद पोजिशनर के डिटेल्स। पोजिशनर में भी एयर सप्लाई का प्रेशर कितना होना चाहिए, इनपुट क्या रहेगा, आउटपुट क्या रहेगा, बाईपास रहेगा क्या, गेजेस रहेगा क्या, फिल्टर रेगुलेटर चाहिए क्या। उसके बाद जो भी पोजिशनर है उसका मेक और मॉडल नंबर कौन सा होना चाहिए। उसके बाद आईपी कन्वर्टर है, आईपी कन्वर्टर में इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। उसके बाद इंट्रिंसिकली सेफ चाहिए क्या। उसके बाद इलेक्ट्रिकल क्लास कौन सा है, सर्टिफिकेशंस क्या है, वेदर प्रूफ है क्या। उसके बाद आईपी कन्वर्टर का मेक और मॉडल नंबर कौन सा है। उसके बाद ऑप्शनल फीचर्स क्या क्या है, सोलेनाइड वॉल चाहिए क्या। उसके बाद फिल्टर रेगुलेटर विथ गेज। उसके बाद लिमिट स्विचेस। उसके बाद सर्विस कंडीशंस कौन कौन सी है, जिसमें फ्लूइड एंड स्टेट। उसके बाद फ्लोरेट है, मैक्सिमम फ्लोरेट, नॉर्मल फ्लोरेट, मिनिमम फ्लोरेट। उसके बाद इनलेट प्रेशर कितना है, आउटलेट प्रेशर कितना है। उसके बाद डेल्टा पी साइजिंग के लिए कितना कंसिडर करना है, डेल्टा पी शट ऑफ क्या है। उसके बाद टेम्परेचर कितना है, ऑपरेटिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, मॉलिकुलर वेट क्या है लिक्विड का।
उसके बाद सीवी वैल्यू क्या कंसीडर की है, मैक्सिमम सीवी वैल्यू क्या है, मिनिमम सीवी वैल्यू क्या है, उसके बाद प्रिडिक्टेड साउंड लेवल क्या है, कैविटेशन होने के चांसेस है क्या, वो सब आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद सीपी बाय सीवी वैल्यू क्या है, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है, ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे कुछ नोट्स लिखे हैं, नोट्स में लिखा है देखो, वी अप मतलब वेंडर टू फर्निश, उसके बाद टैग नंबर टू बी स्टैम्प ऑन टैग प्लेट, उसके बाद ऑल एयर कनेक्शन शैल बी 1/4 inch NPT, उसके बाद ए सेपरेट एयर फिल्टर रेगुलेटर शैल बी सप्लाइड विथ IP कन्वर्टर। देखो ये कुछ नोट्स है वेंडर के लिए। अब देखो कंट्रोल वॉल के डेटा शीट में ये सब पैरामीटर्स है, और ये सब पैरामीटर्स भरने के लिए आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, फ्लो मीडियम। फ्लो मीडियम आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो मान लो आपके केस में जो भी फ्लूइड आप हैंडल कर रहे हो वो हाईली इरोजिव है। हम यहाँ पे दो वॉल्स लेते हैं, एक तो आपके पास गेट वॉल है जिसमें ये आपका गेट है जो कि ऊपर उठ के ओपन हो जाएगा, ओके, और इसमें फ्लो यहाँ से आके ऐसे बाहर जा रहा है। दूसरा बॉल वॉल है, बॉल वॉल के केस में कैसा होता है, यहाँ पे अगर बॉल फुल्ली ओपन है तो इस हिसाब से आपको उसका ओपनिंग देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर इरोजिव फ्लूइड मतलब क्या है, जिसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स है या फिर स्लरीज है। देखो अब अगर गेट वॉल आप कंसीडर करते हो तो जो भी स्लरीज है वो नीचे से आके ऊपर जा रही, तो यहाँ पे उसको बहुत कम एरिया मिल रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी और जो भी सॉलिड पार्टिकल्स है वो बहुत जोर से इस गेट वॉल के प्लग पे स्ट्राइक करेंगे, जिसके कारण यहाँ का नीचे का प्लग बहुत जल्दी खराब हो सकता है। उसी हिसाब से अगर आप बॉल वॉल के केस में देखते हो और बॉल वॉल अब फुल्ली ओपन कंडीशन में, तब यहाँ पे जो भी उस लाइन का ओपनिंग है वही सेम ओपनिंग वॉल के केस में भी आपको मिल रहा है, जिसके कारण यहाँ पे कोई भी पार्टिकल बॉल वॉल के बॉडी पे स्ट्राइक नहीं करेगा और आपकी सिस्टम सेफ रह सकती है, ओके। उसी प्रकार हमने यहाँ पे मेंशन किया है, देखो अगर आपका इरोजिव फ्लूइड है तो आपको फुल पोर्ट वॉल ही कंसिडर करने, ओके। उसके बाद अगर इरोजिव फ्लूइड है तो उस केस में बटरफ्लाई वॉल आपको कभी भी नहीं देने, क्योंकि बटरफ्लाई वॉल की जो भी डिस्क रहती है वो एकदम छोटी रहती है और एकदम थिन शीट होने की वजह से क्या हो सकता है, सस्पेंडेड सॉलिड्स की वजह से वो शीट डैमेज हो सकती है और आपका वॉल पास हो सकता है, मतलब आपको लगता है कि आपने वॉल क्लोज किया है लेकिन फिर भी उसमें से लीकेज होना स्टार्ट होता है, ओके। इसलिए इरोजिव केस में आपको बटरफ्लाई वॉल कभी भी कंसीडर नहीं करना है। मान लो जो भी आप फ्लूइड हैंडल कर रहे हो उसमें फाइब्रस पार्टिकल्स है, तो उस केस में जो भी आपका वॉल का ओपनिंग है वो फाइब्रस मटेरियल की वजह से चोक हो सकता है, इसीलिए आपको डायमंड पोर्ट प्लग वॉल्स, फी प्लग वॉल्स और फी बॉल वॉल्स ही प्रोवाइड करने। उसके बाद अगर आप जो भी फ्लूइड हैंडल कर रहे हो वो हाईली विस्कस है, तो देखो विस्कोसिटी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप ज्यादा होता है, और ज्यादा प्रेशर ड्रॉप अगर हो जाएगा तो आपका जो भी पीछे लगाया हुआ पंप है उसका हेड आपको बढ़ाना पड़ेगा, और जिसके कारण पंपिंग कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, ओके। वो अवॉइड करने के लिए आपको हाईली विस्कस फ्लूइड्स अगर है तो उस केस में बॉल वॉल्स, डायफ्राम वॉल्स या फिर बटरफ्लाई वॉल्स ही देने हैं, ओके, क्लियर है। उसके बाद कंट्रोल वॉल की सर्विस रिक्वायरमेंट्स क्या है, मतलब आप जो भी कंट्रोल वॉल दे रहे हो वो ऑन ऑफ एप्लीकेशन के लिए दे रहे हो, थ्रोटलिंग या कंट्रोलिंग के लिए दे रहे हो, ऑन ऑफ और कंट्रोलिंग दोनों आपको करना है। उसके बाद आपका एक्सेप्टेबल लीकेज फैक्टर क्या है, मतलब अगर आप वॉल क्लोज भी करते हो तो आप कितना फ्लूइड आना अफोर्ड कर सकते हो, मतलब देखो आप यहाँ पे लाइन में एक कंट्रोल वॉल लगाया हुआ है और कंट्रोल वॉल के बाद एक वेसल है और आप इस वेसल में मैन एंट्री करना चाहते हो, तो और यहाँ से जो भी फ्लूइड आ रहा है वो हैजार्डस है, तो इस कंट्रोल वॉल में कितना लीकेज फैक्टर आप कंसिडर कर सकते हो, मान लो थोड़ा सा भी फ्लूइड अंदर आ जाता है और अंदर एक आदमी है तो उस आदमी को हैजार्ड हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे लीकेज फैक्टर बिल्कुल जीरो होना चाहिए। इस हिसाब से आप कौन सी प्रोसेस है और डाउनस्ट्रीम में क्या ऑपरेशन है
इस हिसाब से आप उसका लीकेज फैक्टर डिफाइन करते हो। ओके, उसके बाद देखो आप इसके हिसाब से कौन सा वॉल आप सिलेक्ट करोगे। देखो जो भी गेट वॉल है वो आपको एकदम टाइट शट ऑफ देता है, लेकिन फ्लोर रेगुलेशन के केस में आपका कंट्रोल वॉल फेल हो जाता है। उसके उसी तरह बटरफ्लाई वॉल्स जो भी है वो आपको एक्सलेंट फ्लो कंट्रोल देते हैं, लेकिन आपको उतना अच्छा शट ऑफ नहीं दे सकते। मतलब देख रहे हो, एक वॉल आपको अच्छा शट ऑफ दे रहा है लेकिन कंट्रोलिंग अच्छा नहीं दे रहा है, दूसरा वॉल है जो आपको अच्छा कंट्रोलिंग दे रहा है लेकिन शट ऑफ नहीं दे रहा है। इसीलिए आपका जो भी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आपको वॉल देना है। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कंट्रोल वॉल साइजिंग करना हमें क्यों जरूरी है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आप नहीं बताते हैं तो मैं स्लाइड एंड में आपको वो एक्सप्लेन करूंगा। ओके, चलो उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रेशर और टेम्परेचर रेटिंग। देखो मान लो आपको एक लाइन पे वॉल देना है, इस वॉल का डिजाइन प्रेशर कितना होना चाहिए वो आप कैसे डिफाइन करोगे? और देखो मान लो यहाँ पे 3 bar का प्रेशर आ रहा है तो आप यहाँ पे 4 bar दे रहे हो, ये ठीक है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड वैसा है क्या? नहीं तो फिर आपको नॉन स्टैंडर्ड वॉल बनाना पड़ेगा और उस वॉल की कॉस्ट बहुत ज्यादा जा सकती है, इसीलिए कुछ स्टैंडर्ड्स है उन्हीं को हमें फॉलो करना पड़ता है। ओके, अब देखो हमारे पास 2 pressure अवेलेबल होते हैं। जब आप डेटा शीट भर के देते हो तब आप यहाँ पे इनलेट प्रेशर कितना है वो आप भर के देते हो, उसके साथ साथ इस कंट्रोल वॉल के अक्रॉस कितना प्रेशर ड्रॉप हो रहा है वो आप भर के देते हो। देखो आपके लिए ये सिर्फ एक वैल्यू है, लेकिन कंट्रोल वॉल साइजिंग में एक कितना बड़ा रोल प्ले करता है वो देखो। जो भी आपका इनलेट प्रेशर है उसके हिसाब से आपके कंट्रोल वॉल की बॉडी और इनलेट के और आउटलेट के जो भी फ्लैंजेस है उनकी रेटिंग फाइनलाइज होती है। मतलब जो भी इनलेट प्रेशर आप दे रहे हो उसके हिसाब से आपके वॉल के बॉडी का प्रेशर और जो भी इनलेट और आउटलेट में फ्लैंजेस है उनका फ्लैंज रेटिंग फाइनलाइज होता है। नहीं तो देखो आपने और हर चीज का एक सिग्निफिकेंस है। मान लो यहाँ पे आपने गलत वैल्यू दे दी तो क्या होगा, इनलेट प्रेशर अगर आपने गलत दे दिया तो एक तो क्या होगा, हायर रेटिंग का वॉल आप सिलेक्ट करोगे, नहीं तो फिर लोअर रेटिंग का वॉल सिलेक्ट करोगे। अगर हायर रेटिंग का वॉल आप सिलेक्ट करते हो तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और अगर लोअर रेटिंग का वॉल सिलेक्ट करते हो तो आपका कंट्रोल वॉल लाइन पे फेल हो जाएगा। समझ रहे हो, ये सिग्निफिकेंस है इन वैल्यूज का। उसके बाद जो भी आप प्रेशर ड्रॉप की वैल्यू देते हो, प्रेशर ड्रॉप की वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेशर ड्रॉप के वैल्यू के हिसाब से जो भी आपका वॉल है उसका ट्रिम और सीट डिजाइन किया जाता है। मतलब लाइन में जो भी प्रेशर आ रहा है उसके हिसाब से आप ये वॉल फाइनलाइज करोगे, और जो भी प्रेशर ड्रॉप हो रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे जो भी हमारा प्लग है और प्लग जिस सीट पर बैठ रहा है उस सीट का प्रेशर हम डेल्टा पी के हिसाब से फाइनलाइज करेंगे। हर एक कंट्री का अलग अलग स्टैंडर्ड है। देखो अमेरिकन स्टैंडर्ड अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें 150 क्लास, 300 क्लास, 600 क्लास, 900 क्लास और 1500 क्लास देखने को मिलेगा। अगर हम ब्रिटिश स्टैंडर्ड देखते हैं तो उसमें हमें PN6, PN10, PN16 इस रेटिंग के वॉल्स देखने को मिलेंगे। अब देखो अगर आप ब्रिटिश स्टैंडर्ड देखते हो तो उसमें PN6 लिखा हुआ मिलता है, इसका मतलब ये वॉल 6 bar तक चलेगा। PN10 अगर लिखा है तो इसका मतलब है ये वॉल 10 bar तक चलेगा। PN16 मतलब ये वॉल 16 bar प्रेशर तक चलेगा। लेकिन NC के केस में ऐसे नहीं है। अगर आप 150 क्लास का वॉल लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 150 PSI या फिर 150 bar तक चलेगा। 150 रेटिंग का वॉल चलता है 18 bar तक। उसके बाद 300 क्लास का वॉल चलता है 40 bar तक। क्लियर है? इस प्रकार से जो भी आपका ऑपरेटिंग प्रेशर है उस हिसाब से आप वॉल की रेटिंग फाइनलाइज कर सकते हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखो अगर आपका कोरोजिव सर्विस है और कोरोजिव सर्विस के लिए अगर आप कार्बन स्टील का या फिर WCB का वॉल दे देते हो तो क्या होगा, वॉल खराब हो जाएगा, आपकी सर्विस नहीं चलेगी। उसी प्रकार अगर आप नॉन कोरोजिव सर्विस के लिए SS304 या फिर SS316 का वॉल देते हो तो क्या होगा,
आपका वॉल चलेगा लेकिन आपकी कॉस्ट ज्यादा जा रही है। SS304 की जगह पे आप कार्बन स्टील का वॉल भी दे देते हो तो भी आपका वॉल चल ही रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको कम कॉस्ट लगेगी, समझ रहे। इसलिए मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ एक कॉमन मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन से वॉल के जो कि आपको हमेशा याद रखने हैं, ओके। उसके बाद वॉल का एक्शन आपको कैसा चाहिए, मतलब एयर टू ओपन, मतलब फेल क्लोज। हमने जो भी हमारे घर में वाटर का जार था उसका भी एग्जांपल हमारे पिछले वीडियो में देखा है। यहाँ पे जो भी टैप रहता है वो अपने अगर देखा रहेगा, जब हम उसको प्रेस करते हैं तब नीचे पानी आ जाता है, और जैसे ही हम इसे छोड़ देते हैं तो ये वॉल क्लोज हो जाता है। इसका मतलब ये वॉल फेल क्लोज है। अगर यहाँ पे फेल ओपन वॉल दिया होता तो अगर जब हम ये ऊपर उठाते हैं तब ये क्लोज हो रहा था, और जैसे हम इसे नीचे छोड़ देते हैं तब ये वॉल ओपन हो रहा है। इस केस में क्या होगा, कंटिन्यूअस यहाँ पे पानी बहता रहेगा, इसलिए यहाँ पे जो भी पानी है वो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे कौन सा वॉल दिया है, फेल क्लोज। जैसे ही आपने यहाँ पे ऊपर से उंगली हटाई वॉल फेल हो गया और वॉल क्लोज पोजीशन में आ गया, जिसके कारण जो भी कंटेनर में पानी है वो वेस्ट नहीं जाएगा, समझ रहे हो। इस प्रकार से इंडस्ट्री में भी होता है। अगर आपका हैजार्डस फ्लूइड है और कंटिन्यूअसली वो आपको रिएक्टर में नहीं आना चाहिए तो आपको उस केस में फेल क्लोज वॉल देना है। लेकिन अगर आपकी यूटिलिटी की लाइन्स है, यहाँ पे देखो यूटिलिटी की लाइन्स मतलब कूलिंग वाटर की अगर लाइन्स है तो आप फेल ओपन दे सकते हो, जिसका मतलब अगर आपका वॉल फेल भी हो जाता है तो कंटिन्यूअसली कूलिंग वाटर हीट एक्सचेंजर में जाता रहेगा। उससे क्या होगा, एक्स्ट्रा कूलिंग मिलेगा हीट एक्सचेंजर में, लेकिन आपका हीट एक्सचेंजर फेल नहीं होगा। लेकिन वहीं पे अगर आप स्टीम के लाइन को फेल ओपन दे देते हो तो क्या होगा, एक्सेस स्टीम हीट एक्सचेंजर को मिलेगा, जिसके कारण जो भी आपका सर्विस फ्लूइड है वो ओवरहीट हो जाएगा या फिर आपका हीट एक्सचेंजर भी फेल हो सकता है, क्लियर है। इसीलिए वॉल एक्शन भी अगर आप डेटा शीट में मेंशन कर रहे हो तो एकदम केयरफुली आपको मेंशन करना है। उसके बाद देखो वॉल की साइज, मतलब कैपेसिटी। कैपेसिटी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो लिक्विड्स के लिए हमने कैसे कैलकुलेट करना है उसका एक एग्जांपल भी देखा है। तो लिक्विड्स के केस में हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, सीवी इज इक्वल टू क्यू अंडर रूट ऑफ एस डिवाइडेड बाय डेल्टा पी। इसमें सीवी क्या है, वॉल कोएफिशिएंट है, उसके बाद क्यू क्या है, फ्लूइड फ्लो, उसके बाद एस स्पेसिफिक ग्रेविटी, और डेल्टा पी मतलब प्रेशर ड्रॉप। उसी तरह अगर आप एयर और गैसियस फ्लो के लिए कंट्रोल वॉल साइज करना चाहते हो तो एक बात आप याद रखो, देखो जब आप लिक्विड्स के लिए कंसीडर कर रहे थे तो लिक्विड्स नॉन कॉम्प्रेसिबल थी, तो जिसके कारण जो भी प्रेशर ड्रॉप हो रहा था उसके हिसाब से लिक्विड की डेंसिटी चेंज नहीं हो रही थी। लेकिन जब आप गैसेस के केस में देखते हो तो प्रेशर चेंज जैसे ही होगा वैसे ही लिक्विड की डेंसिटी चेंज हो जाएगी, और जैसे ही डेंसिटी चेंज हो जाएगी वैसे ही वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट चेंज हो जाएगा। इसीलिए हमें कंट्रोल वॉल अगर लिक्विड और गैसेस फ्लो में देना है तो दोनों केस में डिफरेंट आ जाएगा। देखो जब आपको एयर या फिर गैसेस फ्लो के लिए देना है तो उसका सीवी वैल्यू कैसे आप कैलकुलेट करोगे, देखो इसके लिए दो क्राइटेरिया। एक तो पहला क्राइटेरिया है, जो भी आपका डाउनस्ट्रीम प्रेशर है वो जो भी आपका अपस्ट्रीम प्रेशर है उसके आधे से अगर ज्यादा है, मतलब जो भी P2 है वो ग्रेटर देन हाफ ऑफ P1 है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, जिसमें CV इज इक्वल टू QA अंडर रूट ऑफ G इन ब्रैकेट T+460 डिवाइडेड बाय 1360 अंडर रूट ऑफ डेल्टा P इनटू P2। और अगर आपका जो भी कंट्रोल वॉल है उसके आउटलेट का प्रेशर मतलब P2 ये हाफ ऑफ P1 से छोटा है तो उस केस में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, CV इज इक्वल टू QA अंडर रूट ऑफ G इन ब्रैकेट T+460 डिवाइडेड बाय 660 इनटू P1। ओके, यहाँ पे CV क्या है, CV है वॉल कोएफिशिएंट, उसके बाद QA एयर, और फिर एयर का फ्लोरेट जो कि स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर आवर में रहेगा, उसके बाद T मतलब टेम्परेचर
डेल्टा पी प्रेशर ड्रॉप, जिसमें पी टू है आउटलेट प्रेशर और पी वन है इनलेट प्रेशर। ओके, उसके बाद देखो, अगर आप स्टीम के लिए कंट्रोल वॉल साइज करना चाहते हो तो उसके लिए भी सेम क्राइटेरिया है। एक तो आपका जो भी पी टू है वो ग्रेटर देन हाफ ऑफ पी वन है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। और दूसरा केस है पी टू अगर स्मॉलर है हाफ पी वन से, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। इसमें जो भी कॉन्स्टेंट है वो हमने यहाँ पे नीचे मेंशन किए हुए हैं। ओके, ये आप नोट डाउन करके लो। उसके बाद देखो, आपको कंट्रोल कैसा चाहिए। अगर आपको प्रिसाइज कंट्रोल चाहिए, मतलब थोड़ा सा भी फ्लोरेट अगर आपका ज्यादा जाता है तो आपके प्रोसेस पैरामीटर्स हैम्पर हो सकते हैं। मतलब देखो, दो कंडीशन है, एक तो आप कोई रिएजेंट एडिशन के लिए कंट्रोल वॉल लगा रहे हो, और दूसरा है कूलिंग वाटर के लिए। मतलब एक केस है रिएजेंट एडिशन के लिए और दूसरा है कूलिंग वाटर के लिए। तो रिएजेंट के केस में आपको प्रिसाइज कंट्रोल चाहिए, लेकिन कूलिंग वाटर के केस में थोड़ा सा कूलिंग वाटर ज्यादा भी जाता है तो क्या होता है, थोड़ा ज्यादा कूलिंग मिलेगा, और थोड़ा सा कम जाता है तो क्या होगा। मैं थोड़ा सा कम बोल रहा हूँ, मतलब इसमें आपको फ्लो मीटर के हिसाब से कूलिंग वाटर को नहीं देना है। तो इस केस में आप, इन दोनों केस में आपको अलग अलग कंट्रोल वॉल यूज करना पड़ेगा। अगर आपको प्रिसाइज कंट्रोल चाहिए तो उस कंट्रोल वॉल की कॉस्ट ज्यादा होगी। ओके, और कोरस कंट्रोल चाहिए तो फिर उस कंट्रोल वॉल की कॉस्ट कम होगी। इसलिए आपको ये पैरामीटर मेंशन करना बहुत जरूरी है। अगर आप रोटरी वॉल्स यूज करते हो, मतलब बटरफ्लाई या फिर प्लग वॉल, ये आपको अच्छा कंट्रोल देंगे। लेकिन अगर आप लीनियर मोशन वॉल्स जैसे कि ग्लोब वॉल, गेट वॉल, ये अगर आप कंट्रोल करने के लिए यूज कर रहे हो तो क्या होगा, ग्लोब वॉल्स और गेट वॉल्स के केस में प्रेशर ड्रॉप बहुत ज्यादा होता है और वो रोटरी वॉल्स के हिसाब से बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए आपका अपस्ट्रीम में जो भी पंप है वो हायर कैपेसिटी के लिए आपको डिजाइन करना पड़ता है, हायर हेड के लिए डिजाइन करना पड़ता है, और वो अवॉइड करने के लिए आप रोटरी वॉल्स दे सकते हो। ओके, क्लियर है। उसके बाद लीकेज और टाइट शट ऑफ, तो पांच लीकेज क्लास है, एक तो क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, क्लास फोर और क्लास फाइव। हर एक क्लास में जो भी लीकेज है उसकी क्वांटिटी मेंशन की गई है। देखो, अगर आप कोई भी कंट्रोल वॉल लीकेज क्लास वन का परचेस करते हो तो आप कोई भी गारंटी नहीं लेते हो कि इसमें कितना लीकेज होगा। अगर आप क्लास टू का कंसिडर करते हो तो उसमें जो भी आपका कंट्रोल वॉल का कैपेसिटी है उससे 0.5% लीकेज होगा। लेकिन अगर आप क्लास फाइव का लेते हो तो एकदम मिनिमम लीकेज है। देखो, मतलब जैसे ही आप हायर क्लास का कंट्रोल वॉल लेते हो वैसे ही उसका जो भी शट ऑफ है वो ज्यादा है और लीकेज कम है। क्लियर है। ओके, ये कुछ पैरामीटर्स थे जो कि आपको कंट्रोल वॉल के डेटा शीट में मेंशन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वीडियो के बीच में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि कंट्रोल वॉल का साइजिंग क्यों जरूरी है। देखो, कंट्रोल वॉल का साइजिंग अगर आप गलत करते हो तो क्या होगा, एक तो वॉल छोटे साइज का होगा, नहीं तो फिर वॉल बड़े साइज का होगा। अगर वॉल छोटा होता है तो आपको जो भी रिक्वायर्ड फ्लोरेट है वो अगर आप वॉल फुल ओपन भी करते हो तो भी नहीं मिलेगा। उसी हिसाब से अगर आप छोटा कंट्रोल वॉल देते हो तो क्या होगा, आपको रिक्वायर्ड फ्लोरेट पाने के लिए इनलेट का प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, और इनलेट का प्रेशर अगर आपको बढ़ाना है तो जो भी पंप आपने लगाया है उसका हेड आपको बढ़ाना पड़ेगा, जिसके कारण आपके पंप की कॉस्ट बढ़ेगी। क्लियर है। मतलब अगर आप छोटा कंट्रोल वॉल देते हो तो आपका वॉल का कैपिटल एक्सपेंडिचर कम है, लेकिन जो भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है, मतलब पंप का साइज भी बढ़ रहा है, उसके साथ साथ उसको किलोवाट मतलब पावर कंजम्पशन बढ़ेगा, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर आप बढ़ा रहे हो। क्लियर है। उसी हिसाब से अगर आप हायर साइज का कंट्रोल वॉल देते हो तो क्या होगा, अगर आप हायर साइज का कंट्रोल वॉल देते हो तो आपको एकदम मिनिमम ओपनिंग भी अगर आप रखते हो तो भी आपको डिजायर्ड फ्लो कंट्रोल आप नहीं कर पाओगे। उसी हिसाब से अगर आप वॉल बड़ा दे रहे हो, जिसका मतलब प्रेशर ड्रॉप कम हो रहा है, और आप पंप के अक्रॉस जो भी प्रेशर आप डिलीवर कर रहे हो वो भी कम आप दे रहे हो, लेकिन वॉल का साइज बढ़ने की वजह से
आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका यहाँ पे बढ़ेगा। क्लियर है? मतलब अगर आप वॉल छोटा देते हो तो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, और अगर आप वॉल बड़ा देते हो तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। इसलिए आपको प्रॉपर कंट्रोल वॉल साइजिंग करना जरूरी है। क्लियर है? ओके, तो चलो हम इस वीडियो में यही पे रुकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है कंट्रोल वॉल साइजिंग के बारे में तो आप कमेंट करो, हम आपको उसका आंसर बता देंगे। चलो हम इस वीडियो में यही पे रुकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। BIOS, लर्न द स्मार्टर वे।